अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, तो है घी। 300 रुपये का मक्खन मंगाई हूँ, तो उससे घी निकाली हूँ, तो 600 ग्राम घी निकला है। तो देख सकते हैं कितना बनाना आसान है, और ये घर का बनाया हुआ ताज़ा घी रहता है, मार्केट से कई गुना अच्छा और सस्ता आपको घी मिलेगा। तो आप हमारे रेसिपी की तरह एक बार आप बनाएं। अगर हमें वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तो कलर कितना अच्छा आया है। तो चलिए मैं घी निकालना शुरू करती हूँ, यानी घी बनाना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मक्खन से घी निकालूँगी। तो मैंने मक्खन लिया है 1 केजी, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गैस पे, कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे मक्खन। तो ये है मक्खन, मीडियम फ्लेम पर हम बनाएंगे। तो ये है ताज़ा मक्खन, एकदम बिल्कुल आज का मक्खन है ताज़ा। बीच बीच में चलाते रहना है। मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे इसको। तो आप देख सकते हैं पकना शुरू हो गया है। कोई भी कढ़ाई में बना सकते हैं, नॉन स्टिक कढ़ाई हो, लोहे की कढ़ाई हो, एल्युमिनियम कढ़ाई हो, किसी भी कढ़ाई में आप घी बना सकते हैं, घी निकाल सकते हैं। तो घी छोड़ना शुरू हो गया है, अब फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो पर हम पकाएंगे, घी निकालेंगे। कितना अच्छा कलर दिख रहा है, देख सकते हैं। 6 से 7 मिनट तक और लगेगा पकने में। तो अब इसको हम बार बार चलाएंगे, नहीं तो कढ़ाई के तले में लग जाएगा, तो ये जल जाएगा। तो कलर है ना, घी का कलर डार्क हो जाएगा। अगर ये जल जाएंगे ना, तो घी का कलर डार्क हो जाएगा। तो बार बार चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा घी बन के रेडी हो गया है। हम फिल्म को बंद कर देंगे। तो हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट तक। ठंडे होने के बाद इसको छन्नी में छान के घी निकाल लेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।